हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISMS। डिटॉक्स, शरीर को डिटॉक्स करना, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, इससे छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी को बाहर निकाला जा सकता है। और जो समय समय पर अपने शरीर को डिटॉक्स करते रहते हैं, यकीन मानिए वो लंबे समय तक निरोगी रहते हैं। बाहर का जंक फूड, शराब, मैदे से बनी हुई चीज़ें, सिगरेट और यहाँ तक कि घर में बनी हुई तली चिकनी चीज़ों का सेवन जब हम करते हैं, तो यकीन मानिए उसका असर हमारे लीवर पर बहुत समय तक रहता है, जिसका असर ये होता है कि मोटापा, चेहरे पर दाग धब्बे, बालों का सफ़ेद होना या पकना, आँखों की कमजोरी, थकान फील होना या दिमागी कमजोरी होना, इन्फेक्शन होना, दिल, किडनी और लीवर से संबंधित सारी समस्याएं शरीर में विषैले पदार्थों की मात्रा के ज़्यादा होने के कारण ही होता है। इस समय में मिलावटी खाना बहुत ज़्यादा और शुद्ध खाना बहुत ही कम मिलता है। ऐसे में पैदावार को बढ़ाने के लिए और पैदावार ज़्यादा करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर इस खाने के ज़रिए हमारे शरीर में गंदगी पैदा होती रहती है और ये गंदगी जब इकट्ठी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा असर हमारी किडनी और लीवर पर ही करती है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मोटापा कम होने का नाम ही नहीं लेता, तो शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करवाकर न्यूट्रिशन देना, आराम देना, यही डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। सरल भाषा में इसे शरीर का शुद्धिकरण भी कहते हैं। वैसे तो शरीर से मल और पेशाब के द्वारा कई सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में ही रह जाते हैं। जब शरीर को डिटॉक्स किया जाता है तो इससे किडनी, त्वचा, फेफड़े और आंतें स्वस्थ रहती हैं। जिस दिन से हम लोग शरीर को डिटॉक्स करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारे शरीर पर इसके फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो डिटॉक्स कैसे करते हैं ये जानेंगे और फिर जानेंगे डिटॉक्स करने के अद्भुत फायदे। पहला है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस में लैक्सेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये खाना पचाने वाले रस को पैदा करता है। दूसरी चीज़, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये शरीर में फैट को जमने ही नहीं देता है। अगर आप लोग भी अपने इम्यून सिस्टम को सही रखकर त्वचा पर ग्लो लाना चाहते हैं तो एलोवेरा जूस का सेवन रोज़ाना करना चाहिए। दूसरा है वीट ग्रास, यानी कि गेहूं के ज्वारे का रस। यह पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन वी, सी और 90 प्रकार के मिनरल्स और 18 तरह के एमिनो एसिड्स मिलते हैं। इसमें पालक से भी ज़्यादा आयरन होता है और इसमें 70% क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका सेवन एक दिन छोड़कर एक दिन करना चाहिए। ये आपके खून को साफ करता है और ब्लड फ्लो को सही करता है, इससे त्वचा पर ग्लो आता है। दूसरी चीज़, अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो इसमें नींबू का रस मिलाकर के आपको सुबह खाली पेट पीना चाहिए। अब बात करते हैं बीट रूट की, यानी कि चुकंदर की। ये भी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग जब हम दिन में कम से कम एक या दो चुकंदर खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में खून की वृद्धि होती है और लीवर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए सलाद में एक चुकंदर का सेवन जरूर करना चाहिए दिन में एक बार। नेक्स्ट है कहवा ग्रीन टी। ये नॉर्मल ग्रीन टी से बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें नॉर्मल ग्रीन टी से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व होते हैं। वैसे तो इसे किसी भी मौसम में पिया जा सकता है, लेकिन सर्दियों में इसे पीना बहुत ही अच्छा होता है। इससे आप सारा दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं और इससे आपके पेट की जो गंदगी है वो भी साफ होती है। वैसे तो आप कोई भी कहवा टी ले सकते हैं, लेकिन कश्मीरी कहवा टी सबसे अच्छी होती है। ये पेट में जमी चर्बी को बाहर निकालती है और सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार को दूर करती है और आपकी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाती है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत ही अच्छा होता है।
इसमें एसिडिक एसिड पाया जाता है जो कि शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और अच्छे पदार्थों को शरीर में बढ़ाता है। तो इसलिए आपको हफ्ते में 3 बार या 1 दिन छोड़कर 1 दिन एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपको मोटापा नहीं आता है। जिन लोगों को सब कुछ खाने के बावजूद भी थकान फील होती है, उन्हें अपने खाने में एप्पल साइडर विनेगर को एड ऑन कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों को 30 से 45 मिनट की वॉक डेली करनी है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी और शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे और आप लोगों का जो ब्रेन है वो भी तंदुरुस्त रहेगा। दूसरा, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना है। जब आप पानी की कमी हो जाती है शरीर में तो विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं। जंक फूड को अवॉइड करना है आप लोगों को। ये वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो ज़रूर पूछेगा, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।